नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू और आपका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर में। आज मैं एक नया अपडेट देना चाहता हूं आप सबको, जो भी विदेश में फंसे हैं, जैसे कोई भी गल्फ कंट्री में हो, सिंगापुर में हो, सबको, चाहे आप मालदीप में हो, ठीक है, क्योंकि हमारा भी बहुत सारे जो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे जो होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे फंसे हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक जितना भी जो फॉरेनर फंसे हुए हैं, जो विदेश में फंसे हुए हैं, उन सब के लिए सोचा और ये वंदे भारत का एक मिशन स्टार्ट किया, जो कि प्रति जो भी विदेश में हमारा भारतीय फंसे हुए हैं वो आराम से आ सकें। हालांकि इसमें पैसा आपको देना है और आपको ये गारंटी देना है कि आपको क्वारंटीन में रहना है जितना दिन गवर्नमेंट कहा गया है, ठीक है, एज पर द रूल। और जितना भी गल्फ कंट्री में आप अगर फंसे हुए हैं या फिर सिंगापुर में, मालदीव में, तो आप अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर करवाइए एम्बेसी के थ्रू, ठीक है, ताकि आप अपने देश, हमारा जो देश भारत, सकुशल वापस आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप वापस आ जाएंगे तो आप अपने आप को सेफ मानते हैं, ठीक है। अगर आप कभी भी दोबारा जाना चाहें तो जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर इसका कोई वैक्सीन वगैरह निकल जाएगा, जैसे कि फिर से सब कुछ पहले की तरह अगर आ गया, उसके बाद आप वापस विदेश जा सकते हैं। जान है तो जहान है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति बाहर फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द आप हमारे देश में आ जाएं और यहाँ आराम से रहें, जब तक ये लॉकडाउन या फिर जब तक COVID-19 का प्रकोप जब तक है इस भूमंडल में, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि कितना कितना लोग आ चुके हैं आपके जानकारी के लिए। दोस्तों करीब करीब कल पहुँचने वाले हैं, आज शायद पहुँचने वाले हैं, मालदीव से 700 लोग आ रहे हैं, ठीक है, थ्रू सी वाटर के थ्रू आ रहे हैं 700 लोग। दुबई से 5 फ्लाइटें आ चुके हैं और सारे जो यात्री हैं वो कोची में रुके हुए हैं। आबूधाबी से करीब करीब 181 लोग आए हुए हैं, वो भी कोची में रुके हुए हैं, कोची में क्वारंटाइन किया गया है। बहरेन से करीब करीब 181 आए हैं, वो भी कोची में क्वारंटाइन है। सिंगापुर से 234 स्टूडेंट आए हैं और वर्कर्स भी आए हैं जो दिल्ली में, उनका क्वारंटाइन किया गया है। सऊदी अरबिया, रियाद से करीब करीब 152 लोग आए हुए हैं और ओमान से 180 लोग आए हुए हैं कल। और अभी तक जो मेरी जानकारी है, जो मेरी जो दोस्त लोगों से बातें होती रहती है या फिर जो कैंडिडेट्स उनसे बातें होती रहती है, तो ये था आज का अपडेट आप लोगों को बताने के लिए मैं सोचा, ठीक है। अगर आप भी ऐसे कहीं पर फंसे हुए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।